like a Hellcat. हरगिज नहीं, इसके साथ तो काम नहीं करूंगा, मैं पछता चुका हूँ। hey, जैसे ही किसी काम में घुसता है समझ लो कोई काम ढंग से हो नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर हल को तो सिर्फ स्मैश करना आता है। और इस आतंकवादी को तो बस चीजें ब्लास्ट करनी आती है। और सच ये है कि और सच ये है, दिल पे मत लेना। नहीं, दिल पे नहीं लूंगा। यानी कि सड़ा हुआ पपीता तेरी भाषा में है, और लोटे का छेद तेरी भाषा में बोले तो हो गई तेरी पटर पटर। लगता है जैसे कोई आवारा सांड सींग मार रहा। बात कहूं, मुझे तेरी बकवास नहीं सुनना, मुझे जरूरी काम करना है। तेरी माँ को मेरा हाय कहना। अरे मैं तो भूल गया, वो तो जेल में है ना बे। मेरी माँ का नाम भी मत लेना, वरना तेरा सर उस दीवार में घुसेड़ दूंगा। वैसे भी मैं ये काम खत्म भी कर लूंगा और तू अपनी लंगोटी बांधता रहेगा, समझा ना ढीले। अब समझा, तूने अभी याद दिलाया कि मुझे तेरे साथ काम करने से इतनी नफरत क्यों है। तेरी ये आवाज, तेरे नाक से निकली फटी शहनाई जैसी, हैरी पॉटर जैसी आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नंगा अपना कंगा अपने पीछे रगड़ रहा है। बहुत दर्द होता है। पर मेरे लिए प्रॉब्लम तेरी आवाज नहीं, तेरा थोबड़ा है। ये बड़ा भद्दा थोबड़ा, इसे देख के लगता है जैसे बनाने वाले ने गोबर को उल्टी में मिला के परोस दिया हो, पीट का तड़का लगा के। बदबूदार, एकदम सड़ा गला। वाह, अब क्या करेगा बे? यहाँ का फर्नीचर तोड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि इस कुर्सी को उल्टा घुमाकर तेरे मुंह में घुसेड़ कर फिर धीरे अच्छा। से इसे बाहर निकालो। और तू क्या करेगा? तुझे करना ही क्या आता है? अपने ट्रिपल एक्सएल साइज के शरीर को यहाँ वहाँ भिड़ाता जो फिरता है, पर ये यहाँ नहीं चलेगा। चलेगा नहीं, तोड़ेगा। दोस्तों वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, हम कुछ सोचते हैं। तू और मैं, हम, मैं पहले ये कर चुका हूँ और ये वक्त जाया करने वाली बात है। जिंदगी में पहली बार मैं तुझसे सहमत। अच्छा, अब ये मैं अपनी स्टाइल से करूंगा। और अगर किसी को इससे परेशानी तो यहाँ आओ और मुझे रोक के दिखाओ। मैं नहीं जाने वाला। और मैं भी नहीं जाने वाला। फट्टू कहीं के। प्रवेश निषेध
प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध। प्रवेश कर सकते हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। Very good. Well done, boys.